जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ यहाँ चल रहा है, इसके छठे लंब के अंतर्गत परिग्रह ही संसार है। यह चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है। बाह्य परिग्रह ही परिग्रह नहीं है, अंतरंग में राग द्वेष मोह आदि भावों का उत्पन्न होना ही वास्तव में परिग्रह है। यह परिग्रह की अंतरंग व्याख्या जो समझते हैं वे मात्र बहिरंग परिग्रह के त्याग को परिग्रह त्याग नहीं समझते। अंदर में पर वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष यदि उत्पन्न होता है वो असली परिग्रह कहलाता है। यही कारण है कि हमारे महामुनिराज राग और द्वेष का त्याग करते हैं तो बाह्य परिग्रह स्वयं ही छूट जाता है। देखिए, परिग्रह त्याग की जो वहाँ भावना की है, वहाँ उन्होंने मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, मनोज्ञा मनोज्ञ विषयों में भी राग द्वेष नहीं करते, नहीं तो वो परिग्रह की सीमा में चला जाएगा। बहुत बारीक व्याख्या है नियाल जी साहब, ये तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में परिग्रह के त्याग की भावना बताई कि परिग्रह का त्याग कैसे हो। तो उन्होंने कहा मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में, मनोज्ञ मन को पसंद आने वाले, मन को नहीं पसंद आने वाले, इन विषयों में राग और द्वेष हो रहा है तो बोले वो परिग्रह है आपका। अभी अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, यहाँ मैंने इस विषय के ऊपर कई व्याख्यान किए हैं सत्वार सूत्र चलते समय, बहुत पुरानी बातें हो गई। लेकिन आप कल्पना करें, कोई परिग्रह त्यागी किसी बाह्य परिस्थिति को देखकर यदि उनमें बहुत अच्छा है ऐसा भाव आया तो बोले वो उनका परिग्रह। अभी ये कितनी बारीक व्याख्या बताओ, कहीं जंगल से गुजर रहे हैं, बैठे हैं कहीं और मोर को नाचते हुए देखा और देखो कितना सुंदर है, ये जो सुंदर दिखाई दिया वो मन को पसंद आने वाले विषय के प्रति जो राग हुआ, उमा स्वामी आचार्य इसको परिग्रह कह रहे हैं। जिस जगह पर बैठे हैं यदि जगह बहुत अच्छी है, यदि यदि वो मन को पसंद आ रही है, यार ये बहुत खराब जगह है, यहाँ तो अच्छा नहीं है, ये परिग्रह है आपका। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, उनमें राग द्वेष का त्याग करने की भावना को यहाँ परिग्रह त्याग कह करके पुकारा है। इसलिए यहाँ कल जो अपन ने प्रकरण पढ़ा था उसमें इन्होंने कहा राग द्वेष रूप जो परिग्रह है वही असली परिग्रह है, उन मलिन परिणामों का नाम ही संसार है और संसार के नाश के लिए ये राग द्वेष के परिणाम ही छूटने चाहिए। अब देखिए, तत्व ज्ञान रहित नग्नता फलदाता नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं हो और खाली नग्नता हो तो फल नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह का। ये बात कहने वाले कौन हैं? ये वादीप सिंह आचार्य हैं, जो खुद नग्न दिगंबर है ना मुनि, वे खुद कह रहे हैं ये बात। ये बात किसी व्यक्ति द्वारा कही गई नहीं है, किसी गृहस्थ द्वारा कही गई नहीं है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं देखिए, मूल बातें पढ़ते हैं अपन। तत्व ज्ञान विहीनानां निर्ग्रंथ्यमपि निष्फलं नैः स्थाल्यादिभिः स
साध्य मन क्या कह रहे हैं नीतिकार, वो भी अपने माथे पे नहीं, जन सामान्य के लिए नीति बताते हैं। यथार्थ तत्व ज्ञान से रहित जीवों के मुनि धर्म भी निष्फल है। ओह, मुनि होकर के भी मुनिपना नहीं, मुनि धर्म भी निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है। निश्चय से चावल आदि के बिना अन्य बटलोई, जल, अग्नि आदि साधनों द्वारा अन्न पाक रूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। चावल है ही नहीं, पानी चावल है ही नहीं और सारे सामान इकट्ठे कर लिए आपने, फिर क्या क्या हो जाएगा? चकला, बेलन, अग्नि, गैस, तवा, बर्तन, प्रेशर कुकर, सब चीजें हैं, लेकिन दाल ही नहीं है, गेहूं ही नहीं है, चावल ही नहीं है, अब अनाज ही नहीं है, तो तुम कितने भी साधन इकट्ठे कर लो, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये उदाहरण दिया है। ये इस तरह से क्या कहा, जिन्हें आत्म स्वरूप का भान नहीं है, जिनके अंतर में तत्व ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान और ध्यान की चर्चाएं सुहाती नहीं है, जो ज्ञान और ध्यान से दूर रहने वाले हैं और बाह्य क्रियाएं क्रियाएं करते रहो लेकिन ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, संयम नहीं है, साधना नहीं है, या अंतर में इस तरह का उपयोग स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाहरी किसी भी साधन से उन्हें फल प्राप्त होने वाला नहीं, कोई सिद्धि नहीं। व्रत प्रतिमालो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, कुछ भी कर लो आप, खूब व्रत कर लिए, खूब उपवास कर लिए, खूब नियम संयमों का हमने पालन कर लिया, लेकिन भाई साहब तुम्हें तत्व की खबर है क्या? ये तत्व की बात मत करो तुम, क्या ये भाई साहब तत्व ज्ञान से शून्य, तत्व ज्ञान माने भेद विज्ञान नहीं है तुम्हें, तो आखिर ये कार्य कर क्यों रहा हूं, इस कार्य के करने के पीछे हेतु क्या है, उसकी यथार्थ पहचान का नाम है तत्व ज्ञान। आप यहां सुनने के लिए आए और सोच लिया कि सुनने से धर्म हो जाएगा, ये धोखे में मत रहना। आप यहां सुनने के लिए क्यों आए हो? आपने यहां सुनकर के क्या सीखा, क्या समझा, क्या बातें, ये जो बातें कही जा रही है ये बातें मेरे ही हित की भाषित होती है, आपको ये बातें भेद विज्ञान की जचती है क्या? यदि नहीं जचती है तो अकेले घर से उठकर के यहां आने की क्रिया तो धर्म नहीं है। घर से उठ करके यहाँ आ गए, पौन घंटा एक घंटा यहाँ बैठ लिए, पूजन में बैठ लिए, प्रवचन में बैठ लिए, उठ करके चले गए, तो हम सोचे हम तो बहुत धर्मात्मा हो गए, इससे धर्म नहीं होता। धर्म यहाँ मंदिर में नहीं है, ये आते ही पहले चिपक जाएगा, ऐसा थोड़े ना धर्म। धर्म बाहरी क्रिया का नाम नहीं होता, धर्म अंतरंग परिणति का नाम होता है, धर्म अंदर से होता है, तो फिर बाहर से नहीं होता। अरे बाहर से तो उस धर्म का प्रदर्शन होता है, बाहर से देखने वालों को वो धर्म दिखता है, धर्म होता अंदर में है, जिसके अंदर में धर्म होता है उसके बाहरी जीवन से वो झलकता हुआ दिखाई देता है। कोई धर्म धर्म सबको कहे, हाँ, धर्म कोई जात न जाने जीव की धर्म कहाँ से, सही बात है, जीव की जात पहचाने नहीं, जीव का स्वरूप पहचाने नहीं, धर्म कहाँ से होगा? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप बाहर में कुछ ना हो और अंदर ही अंदर से हो जाएगा, बाहर में तो होगा ही, अरे जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में नहीं होगा क्या? जिसने आलू के प्रति राग का त्याग कर दिया अब वो आलू कैसे खा सकता है? हो जाएगा, लेकिन बाहर में कर रहा हो तो अंदर हो इस बात की गारंटी नहीं है। देखो कीमती माल वही कह रहा था, पैकिंग भी वैसी होती है, माल यदि बहुमूल्य है, ऐसा नहीं है कि आप रत्नों की दुकान पर जाकर कोई रत्न आभूषण खरीद करके लेकर के आए, सोने चांदी के लाखों रुपयों के आप आभूषण खरीदें और वो कहे कि यार डब्बा तो है नहीं, एक काम करता हूँ प्लास्टिक की थैली में दे देता हूँ, ऐसा होगा? जैसे जैसे सब्जी लाते हैं, क्या ऐसे 2-4 लाख रुपए के गहने आपको ऐसे थैली में रख के दे देंगे? माल यदि कीमती है तो उसकी पैकिंग भी वैसी होती है। माने यदि 2 लाख रुपए का कोई गहना है, कोई जेवर है, तो 2 लाख रुपए के गहने में 2-500 रुपए का डब्बा भी होगा क्या?
20 रुपए के डब्बे मिठाई के डब्बे जैसे में नहीं रहते क्या आपको? माल जितना कीमती होगा उसकी पैकिंग भी उतनी ही ज्यादा बहुमूल्य होती है। हाँ अब उल्टा लगाओ, देखो अंदर में माल अच्छा था तो पैकिंग अच्छी है, अब कोई व्यक्ति पैकिंग को ही देख करके सोचे तो धोखा भी हो सकता है। पैकिंग अच्छी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि माल अच्छा हो, माल अच्छा होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, और पैकिंग अच्छी दिख रही है तो माल क्या पता, गारंटी नहीं है उसकी। तो बाहर में जो कुछ भी दिख रहा है ये है पैकिंग, और अंदर में जो वितराग भाव और परिणाम उज्ज्वल हैं वो है असली माल। तो अंदर में वितराग भाव और उज्ज्वल परिणाम जब होते हैं तो बाहर में ये जो पैकिंग है ना ये भी अच्छी दिखती है। अंदर में वितराग भाव हुआ तो देह की प्रवृत्तियां, शरीर की पोजीशन भी बहुत यत्नाचार पूर्वक होगी, बहुत सावधानी पूर्वक होगी, देख करके चलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, खाने पीने में सावधानी होगी, बाह्य क्रियाओं में सावधानी होगी। कब? अंदर में माल अच्छा होगा तब। अंदर माल अच्छा है तो बाहर की पैकिंग भी अच्छी है। अब कोई व्यक्ति बाहर बाहर में तो पालन करे और अंदर की खबर नहीं हो तो बोले कुछ नहीं है, ठगाया जाएगा, अपने को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहे। समय काल घाता तो 410 से 1100 है। अच्छा अच्छी बात है, समय सार की गाथाएं बता रहे हैं आप, अच्छी बात है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, पढ़ लिया है अपन ने पूरा है। नीचे सरल अर्थ देखो, जैसे चावल रूप उपादान कारण बिना, चावल नहीं था, चावल रूप उपादान कारण बिना मात्र बटलोई, ये बटलोई क्या चीज होती है, ये देवजी, ये पहले होती है बर्तन, बर्तन ही है और क्या है, ऐसे चकला बेलन भी कह सकते हैं इसको, बटलोई, बटलोई को ऐसे बांटने और चावल बनाने के लिए चकला बेलन भी होती है। चलो जो भी उसकी भगवानी बर्तन है वो, देखो जल, पानी, अग्नि, रसोईया आदि निमित्त कारणों से साध्य क्या चीज है, भात या पका चावल, वो प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे ही यथार्थ तत्व ज्ञान से रहित मात्र नग्नता निष्फल है, मोक्ष प्रदाता नहीं है। अकेला नग्नता मात्र हो तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ नग्नता का निषेध नहीं किया जा रहा है, ध्यान देना, कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले कि नग्नता का निषेध कर रहे हैं साहब, नग्नता से कुछ नहीं होगा, वो तो जरूरी है, लेकिन अंदर के माल सहित तो हो तो कार्यकारी है, और अंदर के माल के बिना हो तो फिर कार्यकारी नहीं। ठीक है, देखिए विशेषार्थ, नग्न शरीर यह जीवादि 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और 7 तत्वों में अजीव तत्व है। मोक्ष यह जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय और अवस्था है। ये भेद विज्ञान करा रहे हैं, ये तत्व ज्ञान रहित की बात कही ना, तत्व ज्ञान से रहित है तो उपलब्धि नहीं होगी। अब तत्व ज्ञान क्या है ये देखो, इस अवस्था में ऐसा भेद विज्ञान करो, ऐसे भेद विज्ञान का अभ्यास करो निरंतर। शरीर की जो अवस्था होती हुई दिखाई दे रही है, ये शरीर की अवस्था, ये शरीर कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्यों में से, 6 द्रव्य कौन से थे ढोलिया जी, जीव, पुद्गल, अजीव तो द्रव्य कहाँ है, द्रव्य में नाम तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है ना। इन 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ, जीव, और ये कौन सा द्रव्य है, पुद्गल। 6 द्रव्य के नाम पता है बेटा, कौन से, कौन कौन से द्रव्य हैं 6, आकाश और काल, शाबाश। देखो अभी ये जो है ये शरीर, ये कौन सा द्रव्य है, ये पुद्गल है, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है वो कौन सा द्रव्य है, वो जीव द्रव्य। माने मैं तो हूँ जीव और ये है पुद्गल। अब शरीर की जो भी क्रिया होगी, पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल की क्या परिभाषा भैया, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसका नाम है पुद्गल। माने जो आंखों से दिखाई देता है वो पुद्गल है, जो छुआ जाता है वो सब पुद्गल है, जिसमें रस और गंध हो वो सब पुद्गल है,
शरीर पुद्गल है, कपड़े ये माइक, ये पुस्तक, ये सब पुद्गल है। तो पुद्गल एक अलग द्रव्य है, जीव एक अलग द्रव्य है, दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, न्यारे न्यारे हैं। तो मैं यदि चेतन हूं, मैं यदि जीव द्रव्य हूं, तो इस शरीर का मैं क्या कर सकता हूं? आप शरीर का कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी चलेगी नहीं शरीर पर बिल्कुल भी, अपने मोटे होने में, अपने पतले होने में, अपने लंबे होने में, अपने गोरे काले होने में, अपना वजन कम ज्यादा होने में। अभी कह तो रहे अपना, लेकिन अपना नहीं शरीर का माने शरीर का गोरा कालापन, मोटा पतलापन, वजन कम ज्यादा होना, शरीर की अवस्थाएं होना, शरीर में बाल का सफेद काला होना, शरीर में दांतों का हिलना करने, सब पुद्गल है। इसमें अपना नहीं चल रहा है कुछ भी, माने इस शरीर पर मेरी नहीं चल रही है। दो अलग अलग द्रव्य हैं सब, जीव अलग और पुद्गल अलग। तो शरीर की नग्नता, अब नग्न शरीर की बात करो, ये जीव की अवस्था है या पुद्गल की? ये पुद्गल की अवस्था है बिल्कुल। तो इन्होंने क्या कहा, नग्न शरीर ये जीवादि छह द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, नग्न तत्व है ना। आगे सात तत्वों में से ये शरीर कौन सा तत्व है? देखो सात तत्व के नाम पता है क्या? कौन प्रिय, सात तत्व भी पता है ना बेटा? सात तत्वों में से एक तो है जीव तत्व, वो कौन है? मैं हूं जीव तत्व। अच्छा, बाकी ये जो दिख रहे हैं शरीर वगैरह और ये सारे जगत के पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब क्या है? अजीव है। अच्छा, आश्रव तत्व क्या होता है जैन साहब? कर्मों के आना बढ़िया, कर्मों के आने का नाम आश्रव है, है? और बंद क्या है? आकर के रुक जाना। कर्म आते हैं ना, हमने जो भी भाव किए उनसे कर्म आ रहे हैं, ये आश्रव, ये आकर के आत्मा के साथ में चिपक गए, ये बंद। ठीक है, अब नए कर्म नहीं आएंगे, वो संवर, और बंधे हुए थे वो छूट गए, थोड़े थोड़े छूटे और पूरे छूट गए। ठीक है, अब ये जो नग्न शरीर है ये सात तत्वों में से मोक्ष है, आश्रव है, संवर निर्जरा है, जीव है, अजीव है, क्या है? कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है ना, क्योंकि ये आत्मा तो है नहीं शरीर, माने जीव तत्व तो है नहीं, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष भी नहीं है। तो इसका मतलब देखो, मैं तो हूं जीव तत्व, शरीर है अजीव तत्व। तत्व की दृष्टि से दोनों में भेद है, द्रव्य की दृष्टि से मैं हूं जीव द्रव्य और ये है पुद्गल द्रव्य, तो द्रव्य की दृष्टि से भी भेद है। देखो क्या लिखा यहां इन्होंने, नग्न शरीर यह जीवादि छह द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और सात तत्वों में अजीव तत्व है, और मोक्ष क्या है भाई? मोक्ष किसकी अवस्था है? जीव द्रव्य की शुद्ध अवस्था। मोक्ष था ना सारे कर्मों के छूट जाने का नाम, तो अवस्था किसकी है? मोक्ष जीव की अवस्था है। शरीर की अवस्था का नाम मोक्ष नहीं है, देह की अवस्था का नाम मोक्ष नहीं है। असली जो अवस्था जो कही है वो जीव की अवस्था है। मेरी अवस्था का नाम मोक्ष है, सब आत्मा की अवस्थाएं, ये आत्मा की अवस्थाएं, मोक्ष भी आत्मा की अवस्था का नाम है। और सही बात कहूं तो मुनि अवस्था भी आत्मा की अवस्था का नाम है, साधु भी आत्मा की अवस्था का नाम है। घबराना नहीं, क्यों आत्मा की अवस्था का नाम क्यों है? क्योंकि अभी हमने कहा ना अंदर का माल वो साधु अवस्था है सच में। तो अब अंदर का माल का नाम है असली साधु, और बाहर में नग्नता जो है ये शरीर की है, तो असली साधुपना होने पर बाहर में शरीर की अवस्था भी होती है। सब आत्मा की अवस्थाएं कहा कुंद कुंदाचार्य देव ने, योगेंदु देव ने, दो दो आचार्यों ने सेम गाथा लिखी है इस तरह की, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश्वरीपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कौन शरण है, अवस्था किसकी है? हरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक
साधु है परमेष्ठीपन, ये पांच परमेष्ठी है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठीपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। अरहंत किसका नाम है? परमोदारी शरीर का नाम है। क्या परमोदारी शरीर की बात, ये तो अरहंत तो आत्मा की अवस्था है। ये सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध अवस्था कौन सी अवस्था है? बोले आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था जब होती है तो आत्मा की उस अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो फिर आचार्य तो नग्न दिगंबर पीछे कमंडल सारे संघ को लेकर के चल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उस अवस्था का नाम होगा ना कि नहीं? आचार्य भी आत्मा की अवस्था है, उपाध्याय भी आत्मा की अवस्था है, और साधु भी आत्मा की अवस्था है। तो फिर सभी आचार्य उपाध्याय और साधु का भेद, बोले अंतर की निर्मलता के भेद से ये बाहर में इस तरह की क्रियाओं में भेद दिखाई देता है। इसलिए आचार्य अलग जो संघ के संचालन का काम करें, ठीक है ना, उपाध्याय अलग और साधु अलग। आपको पता है आचार्यों की, उपाध्याय और साधुओं की आचार्यों की परिभाषा बतलाते हुए क्या लिखा? जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रधानता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं वे आचार्य हैं। उनमें आचार्यपना किस अपेक्षा से, किस वजह से? रत्नत्रय की जहां अधिकता थी इसलिए प्रधान पद की प्राप्ति करके मुनि संघ के जो नायक हो गए हैं वे आचार्य हैं। कुल मिलाकर के बात तो यह है कि ये आत्मा की अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। मोक्ष भी आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय शुद्ध अवस्था वो मोक्ष है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, सात तत्वों में अत्यंत सुख रूप मोक्ष तत्व है। सात तत्वों में मोक्ष तत्व अत्यंत सुख रूप है। अजीव तत्व अर्थात पुद्गल की पर्याय कारण हो और मोक्ष जीव द्रव्य की पर्याय रूप कार्य उत्पन्न हो, ये कैसे संभव है? भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण हो ये कैसे संभव है? शरीर की अवस्था पुद्गल की अवस्था है, मोक्ष जीव की अवस्था है। अब पुद्गल की अवस्था जीव की अवस्था का कारण हो ऐसा नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। अर्थात तत्व ज्ञान रहित मात्र शरीर की नग्नता ये व्यर्थ है। तत्व ज्ञान रहित यदि हो, ये तत्व ज्ञान है असली, यदि तत्व ज्ञान आपके होगा तब तो यह नग्नता सार्थक है, नहीं तो यह नग्नता किसी भी काम की नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखो ये चर्चाएं हमने थोड़ी बहुत सात तत्वों के संदर्भ में थोड़े दिनों पहले किए, महीना डेढ़ महीना दो महीने हुए होंगे मुश्किल से। क्या प्रकरण था बतलाओ, किसी को याद है क्या कुछ? मैंने दो महीने पहले एक बहुत मार्मिक प्रकरण था इन सात तत्वों के संदर्भ में, हे उपादे इसी इसी शास्त्र के, मैंने दो महीने और क्या और कहा, हाँ मैंने दो महीने पहले चर्चा की, हे ये उपादे सात तत्वों में से घटित करो, और फिर हमने घटित करके बतलाया, बोलो आलू हे ये है कि नहीं है? हे नहीं है, हे मतलब क्या होता है? छोड़ने लायक, हे छोड़ने लायक, गे ज्ञान करने लायक, जानने लायक, उपादेय ग्रहण करने लायक। तीन बातें कही थी ना, हे मतलब उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक, और गे मतलब जानने समझने लायक, जो ज्ञान का विषय हो। अब हमने क्या पूछा आपसे, आलू छोड़ने लायक है या नहीं? हे है ये है उपाधे सब सब कहोगे हे है, छोड़ आलू तो छोड़ो भैया, मध्य मास मधु तो छोड़ो, इनका तो त्याग करो, ये तो हे है ना। फिर हमने पूछा आप आलू को हे कह रहे हो, ठीक है अच्छा, भगवान का मंदिर का दर्शन आदि करना, पूजन पाठ व्रतादि करना, ये हे है उपाधे? ये तो उपाधे है, ये तो करो। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मंदिर ये पूजन ये पाठ आलू जमीकंद ये सब तत्व कौन सा है सात में से? अजीव तत्व।
अजीव तत्व है, अजीव तत्व में हे भी नहीं होता, अजीव में उपाधि भी नहीं होता। सात तत्व जो है, इन सात तत्वों में से जीव तो आश्रय करने योग्य है, आश्रव और बंध हे है, संवरण जरा आंशिक उपाधेय है और मोक्ष पूर्ण उपाधेय है, और अजीव तत्व गेय है मात्र। अब आलू क्या है, कौन सा तत्व है, आश्रव है कि बंध है, अजीव है, अजीव होने से क्या है, गेय है। अब जो गेय था नहीं, आलू तो पुद्गल है ना, जो दिख रहा है उसमें जीव है, आलू में जीव है, आलू में अनंत जीव है, आलू तो पुद्गल है, जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, आलू जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, वो सब अजीव तत्व है। अजीव तत्व में हे भी नहीं होता, अजीव में उपादेय भी नहीं होता, सारी दुनिया हे और उपादेय गे में से चाट रही है। कितनी बड़ी भूल है, जो पदार्थ छोड़ने योग्य नहीं थे उनमें तो छोड़ना लगा रखा है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं थे उनमें ग्रहण करना। अच्छा बतलाओ, पैसा हे है उपादेय है, पैसा जिनकी पैसे में सुख बुद्धि है वो कहेंगे पैसा उपादेय है, और जो ये कहेंगे पैसे में सुख नहीं, वो कहेंगे पैसा तो हे है। अरे नहीं भाई, पैसा ना हे है और ना उपादेय है, पैसा अजीव तत्व होने से गे मात्र है। अरे साहब आपने तो गजब बात कह दी, तो पैसा छोड़ना नहीं है मतलब। सुनो सुनो सुनो, आश्रव हे है ना, तो पैसे के प्रति जो अपनेपन का भाव है वो छोड़ने लायक, वो आश्रव है, वो छोड़ने लायक। क्या किसान आलू नहीं छोड़े, आलू में जो सुख बुद्धि है, आलू जो ग्रहण करने का भाव है, जो राग है, वो राग छोड़ने लायक है, वो हे है, वो आश्रव तत्व है। ख्याल में आ रही है बात, आलू अजीव तत्व है और आलू खाने का राग ये आश्रव तत्व है, तो आलू छोड़े के खाने के राग को छोड़े, आलू नहीं छोड़े सिर्फ राग छोड़ दें कि हाँ राग छूटेगा तो आलू अपने आप छूट जाएगा। क्या तो छोड़ना क्या है, ये क्या छुड़वा रहे हैं, क्या तत्व बतला रहे हैं, ये तत्व व्यवस्था को समझे बिना, द्रव्यों को समझे बिना, और आप कहो कि शरीर की अवस्था से हमने इतने व्रत कर लिए, हम इतने दिन भूखे रहे, इतना हमने त्याग कर दिया, बोले धर्म नहीं होता। धर्म समझो पहले, धर्म क्या है, आचार्य देव का कलश है, पंचाल ने तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। हाँ बिल्कुल, कलश है ना ऐसा, कुछ भी करो आप, इनको इनको जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना कुछ भी करो सिद्धि नहीं। क्या मूल कलश है, समय से मुझे ध्यान आ रहे, मेरे को शब्द उसके याद नहीं है, लेकिन वो कुछ भी करो, पंचाग्नि तप तपो, बाहर में व्रत करो, उपवास करो, हैं संयम अंगीकार करो, कपड़े लत्ते का त्याग करो, घर बार परिग्रह का त्याग करो, सिद्धि नहीं। अच्छा बोलो, घर बार और माता पिता परिवार को छोड़ देने का नाम यदि मोक्ष हो ऐसा आप कहो, ये तो सबका छूट जाएगा एक ना एक दिन, तो नहीं छूटेगा, सबका छूट जाएगा भाई साहब, ज्यादा समय थोड़ी ना रहेगा, यहाँ जीवन पूरा हुआ और घर भी छूट जाएगा, बाहर में संपत्ति भी छूट जाएगी, और फिर माता पिता परिवार रहेंगे क्या, पत्नी बच्चे रहेंगे क्या, कुछ नहीं रहेंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, बोलो क्या क्या काम आएगा, ना पत्नी काम आएगी ना बच्चे आएंगे, बोलो क्या क्या काम आएगा। कि नहीं नहीं था, पत्नी परिवार में तो कुछ दम नहीं है, तो घर बार महल मकान को तो छोड़ो, सागर भी तो सच में असली असली परिवार तो यही है ना अपना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना प्रवचन काम आएगा ना श्रोता आएंगे, 50 जगह लगाओ, सब जगह पर लगाओ, क्या क्या काम आएगा ये बतलाओ, तुम्हारे तत्व निर्णय काम आएगा।
ये बाहरी संपदा किसी काम नहीं आएगी, बाहरी धन दौलत वैभव परिवार कुछ काम नहीं आएगा, सब छूट ही जाएगा ना, क्या काम आएगा, कौन लेकर के जाएगा इसको, अगले भाव में अगले जन्म में कुछ भी तो साथ में नहीं जाने वाला है, तो फिर छूटा के नहीं, छूटा है छोड़ा नहीं क्या, अपने आप छूट जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा तो छूट जाएगा, इसका मतलब ये है छूटने का नाम धर्म नहीं है, छूटने के पहले मैं इसको छोड़ दूं, हाँ छोड़ने का जो परिणाम था अंदर में वो छूटा के नहीं, ये बतलाओ। और देखो गजब की बात, देह नहीं छूटे और देह के प्रति अपनापन छूट जावे तो केवल ज्ञान हो जावे, परमात्मा बन जाए, अरहंत भगवान के देह होती है यानी बाहरी समझ लो आप अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार ने ऐसे बात करो तो अरहंतों की देह कही जाती है ना, परम औदारिक शरीर कहा जाता है उनका, असद्भुत व्यवहार ने ऐसे बात कहें तो शरीर है फिर भी अनंत सुखी है, लेकिन शरीर के प्रति अपनापन है तो महादुखी है, मिथ्या दृष्टि है, शरीर के पन अपना शरीर के प्रति अपनापन ये मिथ्यात्व का लक्षण, गुणस्थान पहला, और शरीर बना रहे और अंदर से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन चली गई और शरीर बना रहे तो केवल ज्ञान, गुणस्थान तेरवा अरहंत अवस्था, इसका मतलब शरीर नहीं छोड़ना, शरीर के प्रति अपनापन छोड़ना, छोड़ भी सकता नहीं, तेरी चलती नहीं शरीर पर तो कैसे छोड़ेगा शरीर, छोड़ने योग्य क्या है गहराई से उस बात को समझना तो पड़ेगा हमारे को, क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, ये यहाँ देखो वापस देखो तत्व की बात क्या कह रहे हैं, सात तत्वों में 284 पेज का दूसरा पैराग्राफ, सात तत्वों में अत्यंत सुख रूप मोक्ष तत्व है, मोक्ष में अनंत सुख है, मोक्ष अवस्था में अजीव तत्व अर्थात पुद्गल की पर्याय कारण हो और मोक्ष माने जीव द्रव्य की पर्याय रूप कार्य उत्पन्न हो, ये कैसे संभव है, काम हो पुद्गल में और कारण हो पुद्गल और काम हो जाए जीव में, ऐसा कैसे संभव है, अर्थात तत्व ज्ञान रहित मात्र शरीर की नग्नता व्यर्थ है, समझ में आ रही है बात, ये अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं होती, अंदर से हो तो बाहर में होगा और बाहर में दिखे तो अंदर में हो कोई जरूरी नहीं है, देखो इसको लौकिक घर गृहस्थी के उदाहरण से बात करें, समझ लो आप किसी व्यक्ति ने आपको तिलक करके 1100 रुपए का लिफाफा दिया, क्या अब ये जो दिया है ये क्रिया दिख रही है, बतलाओ उनका मन कैसा है आपके प्रति, बहुत अच्छा होगा ना, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, मन में चल रहा हो कुछ भी और मजबूरी में देना पड़ रहा हो, क्या हो सकता है ना ऐसा, अब उल्टा लगाओ ये तो बाहर में देखने से अंदर की गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में होगा ना वो 1100 नहीं 100 रुपए देवे और कदाचित कुछ भी न दे पावे तो भी उनके परिणाम और उनकी उदारता आपके प्रति बहुत है, अंदर से बहिरंग की व्याप्ति है, अंदर में हो तो बाहर में खूब दिल खोल करके देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाहर में दिल खोल के दे रहे हो इसका मतलब अंदर में क्या पता क्या लोटा रख करके चरी उठाने की भावना हो, ऐसे कहावत चलती है ना इस तरह की, तो मैंने बाहर से देखने पर अंदर का पता नहीं चलता, बाहर से बहुत मीठे मीठे बोल रहे हैं और कैसे तू तो अपना ही है अपनेपन से बात कर रहे हैं और अंदर में कषाय भाव, एक धृतराष्ट्र का उदाहरण आता है इस तरह का, हाँ कौरवों के समाप्त हो जाने के पश्चात कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, कौरव और पांडव है ना, तो वो जो धृतराष्ट्र थे वो तो जिंदा रह गए और बाकी उनके 100 के 100 बेटे दुर्योधन आदि सब मर गए, तो अब ये छोटे भाई के बेटे थे पांडु के बेटे थे ये सब पांडव, पांच पांडु के बेटे होने से पांडव कहलाए पांचों, तो बाद में ये बच गए तो इनको बुलाया, अरे भाई अब तो तुम ही मेरे बच्चे हो हैं, तुम ही मेरे बुढ़ापे के सहारे हो, उनको बुलाया और एक एक को बुला करके अपने बाँव में लेकर के गले से लगाने की बात कही, बहुत प्रेम व्यक्त कर रहे हैं ठीक है, फिर क्या हुआ एक एक को बुला रहे हैं आओ मेरे गले लग जाओ, कितना कितना प्यार है ना, दिख रहा है ना बहुत प्यार, आपको पता है जब युधिष्ठिर के पश्चात जब भीम का नंबर आया
युधिष्ठिर जी जो भी नंबर समझ लो आप, दो तीन लोगों के बाद जब भीम का नंबर आया तो उसे अपने बाहों में लेकर के अपने बाहुबल से उसे चूर चूर कर दिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया उसके। लेकिन धृतराष्ट्र तो अंधे थे ना, उनको पता नहीं था, और श्री कृष्ण इस चाल को समझते थे कि अंदर में कुछ और चल रहा है। तो जब सबको अपनी बाहों में ले रहे थे तो उन्होंने भीम की जगह भीम की एक प्रतिमा बना करके आगे कर दी क्या। और अंदर में जो क्रोध का परिणाम था, मायाचारी का परिणाम, कि ये भीम वही है जिसने मेरे बेटे दुर्योधन की हत्या की है, जिसने जिसने मेरे बच्चों को मारा, ये वो भीम है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर में ये भाव चल रहा है और बाहर में प्रेम से गले लगने का प्रयास दिख रहा है। बोलो, अंदर में कुछ है और बाहर में कुछ है? बोलो, आपके आपके तो नहीं होता है ना ऐसा, आप लोगों की स्थिति तो नहीं है ऐसी? क्यों साहब, क्यों ठोलिए? आत्र होती है ना थोड़ी थोड़ी, ये सच्ची बात कह दी। अरे होती नहीं है तो झूठ थोड़ी ना बोलते हैं भगवान के सामने। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। क्या क्या स्थिति है? चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, परिणति कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतरता कालुष धोती है। पुष्प से तुलना करके कितने सुंदर बात कह दी है। भगवान के सामने पुष्प हाथ में लेकर के खड़े हैं समर्पित करने के लिए, पुष्प का छंद, और क्या कह रहे हैं? हे भगवान, ये पुष्प कितना कोमल है, अंदर और बाहर से दोनों से कोमल दिखाई दे रहा है, इसमें रंच मात्र मायाचार नहीं है। बाहर से कोमल है तो अंदर से भी कोमल है, लेकिन निज अंतर का प्रभु भेद कहूं। भेद क्या होता है? सीक्रेट राज, राज की बात बताऊं? राज की बात बताऊं क्या भगवान के सामने? क्या राज की बात बतला रहे हैं? निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, कि क्या भेद कह रहे हो? कि अंदर की बात बतलाऊं तो सच में ऊपर ऊपर तो कोमलता दिख रही है, अंदर में कठोरता है। हे भगवान, मैं क्या बतलाऊं? ऊपर से कैसा दिखता हूं मैं, अंदर से कैसा हूं, ये मैं ही जानता हूं। ये अंदर का भेद, करता क्या हूं और सोच क्या रहा हूं, कर रहा हूं हे भगवान तेरे चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और भावना ये हे भगवान तेरी पूजन कर रहा हूं, इतना तो मिलेगा ना क्या? देखो, 50 रुपए की सामग्री नहीं चढ़ाएगा और 5 लाख रुपए मांगने की कोशिश करेगा, गजब हो गया। तू कर क्या रहा है? अंदर का भेद बतला रहे हैं आज भगवान के सामने। हे प्रभु, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, ये सच्चाई है, ये अंतर में स्थिति है। तो अंतर में कुछ हो और बाहर में कुछ हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर में निर्मलता होगी तो बाहर में पवित्रता जल के बिना नहीं रहेगी। अंतर में नग्नता होती है तो बाह्य नग्नता होती है। देखो क्या कहा कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा सुनाता हूं आपको। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या मिथ्यात्व का परित्याग करो क्या? पहले अग्न नग्नता अंदर भाव से हो, मिथ्यात्व नहीं हो, ये विपरीत उल्टी मान्यता नहीं हो, और फिर क्या हो? फिर नग्न होवे द्रव्य से, माने अंदर से नग्नता हुए तो बाहर से नग्नता कार्यकारी है। चलो देखो आगे क्या कहते हैं, ये 4-6 लाइनें और हैं अपनी अभी। मोक्ष पर्याय के कारण संवर, मोक्ष रूप पर्याय के कारण संवर निर्जरा दोनों तत्व हैं। मोक्ष का कारण कौन है? नग्नता नहीं, निर्जरा के कारण मोक्ष होता है, संवर के कारण मोक्ष होता है। ये दोनों जीव की शुद्ध पर्याय हैं। ये संवर और निर्जरा क्या है? ये जीव की शुद्ध पर्याय है, ये कारण है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए संवर निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग ही प्रकट करना चाहिए।
आपको मोक्ष चाहिए ना, कि हाँ साहब मोक्ष चाहिए हमारे को, तो क्या करें मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि मोक्ष का कारण क्या है? बोले संवर और निर्जरा ये मोक्ष का कारण है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो संवर और निर्जरा प्रकट करने का प्रयास करो। संवर और निर्जरा जीव की अवस्थाएं और मोक्ष भी जीव की अवस्थाएं। अंदर में जीव की अवस्था मार्ग संवर और निर्जरा रूपी मार्ग होगा तो मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति होगी, और संवर और निर्जरा रूप मार्ग नहीं है तो मोक्ष रूपी मंजिल भी नहीं मिलेगी। कि साहब ये सारा किया जरा बेकार हो गया फिर सब, आप क्या कहना चाहते हो? इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ छोड़ा मैंने, आसान काम थोड़ी ना सब छोड़ना, छोड़ के देखो पता लग जाएगा, आसान थोड़ी ना। मैंने इतने दिन के उपवास किए, मैंने कितने कितने तेले कर लिए, कितने दस लक्षण जी कर लिए, कितने सोलह करण के व्रत कर लिए, कितने कितने मैंने अलग अलग तरह के व्रत किए, उपवास किए, नग्न निगंबर दशा सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, सारा इतने लंबे छोड़े वैभव था मेरे पास में, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ये सब बेकार है। अभी तक लेके बैठा है तो समझ में आई क्या क्या कहा? तू गिना रहा है ना, तेरे दिमाग में हावी है ना अभी तक भी, तू कह रहा है छोड़ा छोड़ा, माने तू अभी भी उनको, उनके प्रति तेरे मन में ये बुद्धि है कि ये मेरे, मैंने मैंने, ये जो बुद्धि तेरी बनी हुई है तो तूने कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे छोड़ना नहीं कहते। एक प्रसंग इस तरह का आता है, एक किसी संत के कुछ ब्रह्मचारी शिष्य थे और उनमें वो नदी किनारे टहल रहे थे, और टहलते टहलते किसी एक लड़की को डूबते हुए देखा, तो दो ब्रह्मचारी थे, दोनों घूम रहे थे वहाँ, एक लड़की नदी में डूब रही थी, तो लड़की नदी में डूब रही थी तो वो ब्रह्मचारी एक कूद गया उसको बचाने के लिए, और उस लड़की को बचाया, अपने कंधे माथे पर बिठा करके उसने नदी से, नदी पार करा दी, नदी से बाहर निकाल दिया उसको। तो जो दूसरा था क्या, और दूसरे ने जाकर के शिकायत करी अपने गुरु से कि महाराज ये इसने अपने उस लड़की को बचा लिया, इसने ब्रह्मचारी होकर के और अपने कंधे पर बिठा करके निकाल करके लाया, ऐसा उसके बारे में सुनाई उसने। तो गुरुजी ने कहा सुन, उसके कंधे और माथे पर से तो लड़की नदी के किनारे पर ही उतर गई, तेरे माथे पर तो अभी तक बैठी है। तेरे दिमाग में अभी तक बैठी है। ये कह रहे हैं तुमने सब कुछ छोड़ा, हमने इतना छोड़ दिया, हमने इतना त्याग कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में तो अभी तक बैठा है, तुमने क्या छोड़ दिया? तुम छोड़ने छोड़ने की बात तो कर रहे हो, कुछ नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि जहां छोड़ा जाता है वहां ये इस तरह का भाव नहीं होता। तो मोक्ष का कारण कहा संवर और निर्जरा, और वही प्रकट करना चाहिए। देखिए आगे, अपेक्षित योग्य उपादान कारण ना हो, योग्य कारण नहीं हो, उपादान कारण ना हो, और कितने ही अनुकूल निमित्त मिले तो भी कार्य होना संभव नहीं है। अब ये सोचता है मैंने इतना काम कर लिया, मैंने इतना, अरे साहब इतनी तैयारी करी, बोलो बच्चे को परीक्षा की तैयारी हो गई, अरे पूरी तैयारी कर ली मैंने, कि क्या क्या तैयारी कर ली मैंने, कि जूते पॉलिश करके रख लिए, कपड़ों के प्रेस कर लिए, हैं पेन रख लिया, बॉक्स जमा लिया, सब देख लिया, परमिशन लेटर ले लिया, सब सारी चीज़ें मैंने सब तैयार कर ली सब, और पढ़ाई की कि नहीं, वो तो नहीं करी। तो बोलो परीक्षा की तैयारी हुई कि नहीं हुई? कैसे परीक्षा की तैयारी कहेंगे कि नहीं? असली तैयारी तो वो है, हाँ जिसके असली परीक्षा की तैयारी होती है उसके बाहरी तैयारी होती है कि नहीं, यूनिफॉर्म पहन करके, ये तो सब होगी होगी, लेकिन इस तैयारी का नाम असली तैयारी नहीं है, टिकट ही नहीं है, और जमाए जा रहा है, पैकिंग कर रहा है। अपेक्षित योग्य उपादान कारण न हो और कितनी ही अनुकूल निमित्त मिले तो भी कार्य का होना संभव नहीं है, अतः निमित्त के पीछे दौड़ने में कुछ भी लाभ नहीं है। निमित्त 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 के पीछे दौड़ते रहो, कुछ लाभ नहीं होगा। साहब निमित्त कुछ तो करो, कुछ तो जोड़ो, हिसाब किताब करो इधर उधर का, कुछ नहीं होगा। अपनी आत्मा की योग्यता बढ़ाना ही सच्चा उपाय है। बोलो मोक्ष के सच्चे उपाय की चर्चा चल रही है, अपनी आत्मा की योग्यता बढ़ाओ, अपने अंतरंग स्वरूप को समझो, और वो योग्यता कैसे बढ़ती है, उस योग्यता बढ़ने का रास्ता क्या है? तो यहां कहा तत्व ज्ञान, ये कहा ना शुरू कहां से की थी चर्चा, तत्व ज्ञान रहित तो होगा अयोग्य है, और तत्व ज्ञान है तो योग्यता है, तत्व ज्ञान को ही यहां योग्यता कहकर के पुकारा गया है। इसलिए भाई
हम भी यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उपाय है तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक अपनी अंतरंग योग्यता को बढ़ाना, और हम सभी इस तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए अल्पकाल में इन अवस्थाओं को प्राप्त करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।